सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमानी की, आप सभी का स्वागत है मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव गोंडार में, जहां पे मेरा मायका है। तो आजकल मैं आ रही हूं अपने मायके में। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि मेरे गांव में भैरवनाथ नृत्य हो रहा है, तो इसीलिए हम सभी, मेरी दीदी बुलियां सभी लोग आजकल मायके आ रखे हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत मेरी हो रही है 8:30 बजे से, और अभी हम जा रहे हैं गोंडार वाले घर से ठीक अपने बंतोली वाले घर, ये इधर जहाँ पे मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था। बाकी मेरे पीछे देखिए सभी मेरी दीदी लोग, ला हेलो करो लो। हाय गाइस, रचना और त्रिजुगी वाली बड़ी वाली दीदी, दीदी बेडला वाली दीदी, और जिया जी त्रिजुगी नारायण वाली जिया जी, हेलो। तो अभी ना हम सभी लोग जा रहे हैं कहाँ, बंतोली, और सुबह सुबह रास्ते लग गए हैं, नाश्ता करने भी वहीं जा रहे हैं। आज दिन में भी भैरवनाथ नृत्य है और आज समापन है। हाँ, और समापन है आज तो 11 दिन तक यहाँ पे भैरवनाथ नृत्य हुआ है 11 दिन तक, और आज है समापन 11वें दिन, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और धूप अभी बहुत दूर उन पहाड़ियों पे है, सीधे ऊपर मधमेश्वर धाम की उन चोटियों पे है, और यहाँ आने आने तक तो 11 बज ही जाती है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर के नीचे ना गुफा टाइप की है, और इस गुफा को ना हमारे गढ़वाली में वडियार भी बोलते हैं। तो इस वडियार पे ना पहले लोग उन्हें घास वगैरह काट के रखते थे बारिश के टाइम पे, ताकि भीग ना जाए, और बाद में लेके जाते थे इस घास को घर जैसे ही टाइम मिलता था। अभी हम उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे पुल टूटा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले भी आई थी, लेकिन दीदी लोग ना, मतलब पुल वाला आपदा आया तब से दीदी लोग आज ही आ रहे हैं, तो इनको ना रिंग लगेगी शायद आज लकड़ी वाले पुल में, है ना। चुके हैं अपने बंतोली वाले घर में, और यहाँ पे चाची जी लोग बना रहे हैं रोटी वगैरह। चाची हमसे पहले आ गई थी, हाय कर रहे, बना ले रोटी गुलत्या। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं बुआ जी लोगों के घर पे, और यहाँ पे मेरी पुपू जी हैं, जो मेरे परिवार की पुपू जी हैं, उनका ससुराल भी गांव में ही है। तो अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, पुपू जी लोग डेली मेरी वीडियो देखते हैं, बोलो की सुनते हैं, रोज मीन्स दिल्ली में भी दिल्ली में पूपू जी की एक लड़की, मतलब हमारी दीदी जी दिल्ली में रहते हैं, तो पूपू जी कभी कभी उनके साथ रहते हैं। धन्यवाद। पूपू जी लोग के किचन में बैठ रखे हैं, और यहाँ पे जल रखी है मस्त सी आग, और पहाड़ों में जब तक धूप नहीं आती है ना, तो तब तक तो आग सेकने का मजा ही कुछ अलग है, और आग सेकने का मन भी करता है। बाकी दीदी ने बना ली है हमारे लिए चाय, रश्मि बिष्ट की मम्मी ने। तो दीदी का ससुराल बहुत ज्यादा दूर है, दी तुम ससुराल उन्होंने लोन्त्रा, जो की कर्ण प्रयाग में पड़ता है ना, नंद प्रयाग घाट, और बाकी यहाँ पे चाय पीने के लिए हम सब आ गए हैं, और नीचे मैं भाभी जी। 10:15 बजे का टाइम हो चुका है, और सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिया है, मस्त सी धूप खिल चुकी है, और मुझे लग रहा है कि पिछली बार से आज थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे धूप निकली है, लेकिन धूप निकलती है फिर जाती है, निकलती है फिर जाती है, 11 बजे तक तो यही सीन रहता है, फिर जब क्लियर धूप तो 11 बजे आती है। फिलहाल अभी हमने नाश्ता नहीं किया, तो हम जाते हैं रोटी खाने। नाश्ता भी बन चुका है, और दीदी पूपू जी लोग यहाँ पे नाश्ता करने लगे, और नाश्ते में बना रखा है मस्त सा हलवा, और हलवा बनाया है चाची ने।
अभी चाचा देखो भाई जंगल से इतनी बड़ी सूखी घास का भारा लेके आ गए हैं, और ना इस सूखी घास को पता ऊपर इन चट्टानों पे काट के रखा हुआ था और वहीं रखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे इनको घर लेके आते हैं। तो अभी चाचा आ गए हैं घास लेके। मैं नाश्ता करने के बाद घर से थोड़ा ऊपर में आ रही हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आई थी, क्योंकि कल परसों से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं करी है। 4G नेट दिखा रहा है लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ पे देखिए लोगों ने गायों को सुबह जंगल में छोड़ देते हैं, और जब शाम को गायों का पेट भर जाता है तो वो खुद ब खुद अपने आप घर आ जाती हैं। गांव में ऐसे ही गायों को फ्री जंगलों में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हमको एक जानवर मिला, जानवर है सरो, लेकिन यहाँ पे आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सामने, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो जंगली जानवर सरो, मैंने तो पहली बार देखा है भाई, कहीं वो मेरे को मारने ना आ जाए। देख रहा है एक तार करके, वो सींग देखो उसकी कितनी लंबी लंबी सींग है। ये बीमार हो रखा है इसीलिए तो ये यहीं पे है। भैया उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर वो आ नहीं रहा है बाहर। सरो की वही है, सरो नील गाय ये है, नील गाय यहाँ की जो नील गाय होते ये होते, यहाँ पहाड़ में बोलते इसको सरो, एक्चुअली नील गाय है ये, पहाड़ों में मिलता है ये नील गाय मिलते है एक्चुअली, ये मैं प्रांसों में देखा जाए तो ये नील गाय है। सही में बोला तुम? अच्छा नील गाय सरो, अच्छा मतलब इसका नाम नील गाय है। यहाँ पे देखो भाई इतने सारे आ गए देखने के लिए। अभी मेरे बाल भी रचना ने बना दिए हैं, और अभी इस तरह से बनाए हैं, ऐसे ही फ्रूटी के बाल भी बन रहे हैं यहाँ पे। मैंने अभी चुटिया बनाए हैं, चुटिया बनाए हैं मैंने, ना समी समधन बन चुकी है, नाती नो रही है इसकी, नाती और देखो नाती इसका नाती हो रखा है, पर इसको देख के लग नहीं रहा है कि इसका नाती हो रखा होगा भाई। जवान नानी बन गई, और नानी तो हम भी बन गए, ऐसी बात नहीं है, फिर भी हमने ऐसा वाले मुनियोरी बना रखी है। सबसे बुढ़िया में बहुत बाबा, बुढ़िया बाबा, सबसे छोटी नानी ये है, मैं। और अब हम खाते हैं खाना, फिर चलते हैं घर गांव में जहाँ पे पांडव नृत्य फिर से, क्या भैरव नाथ नृत्य हो रहा है, फिर वहाँ पे चलते हैं। आज समापन है, पहले हम खाना खाते हैं। खाना भी खा लिया है और 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो अभी हम बंतोली से घर जाने बैठ गए हैं। तो सभी दीदी जी भी तैयार हो गए हैं, और कुछ दीदी पुपू जी आगे से जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं पीछे से, तो बाकी कुछ अभी आ ही रहे हैं। मेरी दीदी अभी साड़ी पहन के तैयार हो गई है भाई। दीदी तो ससुराल में भी कभी सूट नहीं पहनती है, क्योंकि दीदी के गांव में रिवाज नहीं है ना जी सूट पहनने का, नहीं पहनते। अच्छा पहले पहले नहीं पहनते थे, अब की बहू है तो सब पहन रही है, पर पहले नहीं पहनते थे इनके गांव में सूट ना, तो दीदी को पहले से आदत नहीं है, तो ससुराल में भी कभी सूट नहीं पहनते है भाई, साड़ी ही पहनते हैं। तो ये तीनों बहनें और पुपू जी बोल रही हैं कि हमको अच्छे से वीडियो में दिखा दो, क्योंकि बाद में जब हम ससुराल जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से हम एक दूसरे को देखेंगे कि कब मायके में इस तरह हमारी मुलाकात हुई। तो कुछ बोलोगे या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बना, आप सारा जाला जब तक ये वीडियो देखे खुद मिटाए वा। अभी हम रास्ते में आ चुके हैं बंतोली से घर, और ये देखो भाई हमारे पास इतने बड़े बड़े बोदिये दे दिए, तो इन पे ना हम अपने लिए झाड़ू लेके जा रहे हैं,
रिंगाल के जो झाड़ू होते हैं चौक साफ करने के लिए मम्मी ने मधमेश्वर में निकाले थे, तो सारी बहनों के लिए निकाल के रखी है मम्मी मधमेश्वर से, तो सभी लेके जा रहे हैं। दीदी लोग आगे से जा रहे हैं, उनके पास भी झाड़ू है और हम पीछे से लेके जा रहे हैं। कल अक्तौलीधार तक इनको पैदल लेके जाना है। सिर्फ मेरे पास नहीं है रचना को ना, अभी रचना नहीं लेके जा रही पता, क्योंकि पहली अभी है ना ससुराल के बाद पहली बार मायके आए हैं, तो पहली बार झाड़ू ले जाना ठीक नहीं माना जाता है। बाद रचना तो बोल रही थी कि मुझे भी दे दो, अभी रचना दूसरे चक्कर पे लेके जाएगी, पर हम तो हमेशा लेके जाते हैं भाई, हम तो बाजार से खरीद के नहीं लाते हैं। फिर जुम्मन लेके जाना है बहुत दूर।